Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. I'm Ankit. So summers finally start हो रहे हैं and यही एकदम correct time है जिसमें हम अपनी skin को अच्छे से protect कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? Sunscreen लगा करके. But कौन सी sunscreen हमें लगानी चाहिए? Maximum Indians तो sunscreen इस वजह से भी नहीं लगाते हैं क्योंकि वो बोलते हैं कि sunscreen लगाने के बाद हमारी skin पे बहुत ज्यादा oil आ जाता है. हम चाहे जितनी भी oil free sunscreen use कर लेना, हमारे face पे फिर भी इतना ज्यादा oil आता है, चिपचिपा लगता है, बहुत ही ज्यादा गंदा और heavy face लगता है. I understand कि कुछ sunscreens में ये सारी problems होती हैं. Although वो claim करते कि वो ऑयल फ्री है, जेंटल है, नो व्हाइट कास्ट, बट फिर भी ये सारी प्रॉब्लम्स वो हमें दे ही देती हैं, बट नॉट एनी मोर, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं सारी ये सनस्क्रीन्स ना टेस्ट करूंगा. जितनी भी ऑयल फ्री सनस्क्रीन्स हैं उनको हम ऑयल ब्लोटिंग पेपर पे टेस्ट करेंगे जिससे कि उनकी सारी रियलिटी सामने आ जाएगी, सच में ऑयल फ्री है या नहीं. और इसके साथ साथ जो दो सबसे बेस्ट सनस्क्रीन निकलेंगी उनको मैं अपने हाफ ऑफ फेस पे अप्लाई करूंगा, धूप में जाऊंगा एंड एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा मैं बाहर रहूंगा और वापस आकर के उसको वाइप करके देखूंगा कि क्या सच में वो आपको सन की यूवी रे से प्रोटेक्शन देती है. तो सारी रियलिटी हम सनस्क्रीन की ना आज इस वीडियो में बर्स्ट करने वाले हैं. देखेंगे कौन सी सनस्क्रीन बेस्ट है, कौन सी सनस्क्रीन सबसे ज्यादा वर्स्ट है. सो बहुत ही अल्टीमेट, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चैलेंज होने वाला है ये. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाई यू लव वॉचिंग अंकित टीवी, जिससे कि मैं आपका नाम वीडियो के एंड में फ्लैश कर दूं. एंड या विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइज मैंने क्या किया है कि जितनी भी हाईएस्ट रेटेड सनस्क्रीन थी अमेजोन में और जो ऑयल फ्री सनस्क्रीन थी वो सारी की सारी मैंने ऑर्डर कर ली है. तो मेरे पास ना ऑलमोस्ट 7 सनस्क्रीन है. तो चलिए इन सारी सनस्क्रीन को ना हम लोग टेस्ट करते हैं. तो मैं क्या करूंगा कि इन सारी सनस्क्रीन को ना मैं इस ऑयल ब्लॉटिंग पेपर पे थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर दूंगा और इसको रख दूंगा एटलीस्ट 15 to 20 minutes के लिए, क्योंकि यही एक सबसे आइडल टाइम होता है जिसमें कि हमारी सनस्क्रीन ना ऑयल निकालना अपना रिलीज करना शुरू करती है. तो अगर हमारे ब्लॉटिंग पेपर पे ऑयल दिख जाएगा हमें तो हमारी वो सनस्क्रीन वेस्ट है, यानी कि वो ऑयल फ्री नहीं है, वो हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो आपके फेस को बना देगी डल. गाइस मैंने यहाँ पे 7 ब्लॉटिंग पेपर और उसके साथ साथ मैंने एक एक सनस्क्रीन रख दी है. अब इन सारी सनस्क्रीन को हम ब्लॉटिंग पेपर पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इनका क्या निकल के आता है रिजल्ट. तो यहाँ पे हमने सभी सनस्क्रीन को ब्लॉटिंग पेपर पे लगा दिया है. डॉक्टर शेड्स, मिनिमलिस्ट, डर्मा को, मामा अर्थ, उसके बाद डॉट एन की, विश केयर और लास्ट में है फॉक्सटेल की सनस्क्रीन. अब इन सारी सनस्क्रीन को हम 30 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे जिससे कि अगर इसमें कोई ऑयल है तो वो रिलीज हो जाए. सो गाइज आप देख सकते हो डॉक्टर शेड की सनस्क्रीन पे कितना ज्यादा ऑयल है चारों तरफ. जहां जहां पे हमने सनस्क्रीन लगाई थी ना उसके चारों तरफ आप देख सकते हो ऑयल की एक पतली सी परत आ गई है. आपको शायद ये ऐसे नहीं दिख रहा होगा, मुझे इस पेपर को थोड़ा सा बेंड करना पड़ेगा तब शायद आपको क्लियरली दिखेगा. यू गाइज कैन सी कितना ज्यादा ऑयल है. तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये सनस्क्रीन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है. आप नेक्स्ट देखते हैं मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन. तो मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन पे बिल्कुल भी मुझे ऑयल नहीं दिखा. आप देख सकते हो मैंने इस पेपर को टर्न भी कर लिया है और कहीं पर भी एक बूंद भी ऑयल नहीं आया है इस ब्लॉटिंग पेपर पे. दैट मींस कि हमें हमारी पहली बेस्ट सनस्क्रीन मिल गई है फॉर दिस समर. इसके बाद हम लोग चेक करते हैं डर्माको की सनस्क्रीन. इसमें तो आप क्लियरली देख सकते हो कितना ज्यादा ऑयल है चारों तरफ सनस्क्रीन. इसको अगर आपने ये सोच के लिया है कि आप ऑयली स्किन पे लगा सकते हो और ये ऑयल फ्री है, देन डेफिनेटली आपको में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है. सो डर्माको की ये सनस्क्रीन बुरी तरह फेल होती है. अब चेक करते हैं मामा अर्थ की इंडियन सनस्क्रीन. सो गाइस इसमें भी आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा ऑयल है, बट इतना ज्यादा नहीं जितना कि डर्माको में था. बट अदर देन दैट इसको भी आप स्किप करो तो ही इसमें भलाई है. अब नेक्स्ट देखते हैं फॉक्सटेल की ये सनस्क्रीन. तो मुझे इस सनस्क्रीन से ना काफी ज्यादा उम्मीदें थी क्योंकि मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यूज देखे थे और ट्रस्ट मी थोड़ा बहुत तो ऑयल है बट इतना ज्यादा नहीं है जितना बाकी की सनस्क्रीन में था, तो हम इसको भी एक गुड ऑप्शन मान सकते हैं. अब नेक्स्ट देखते हैं ये विश केयर की सनस्क्रीन. तो ये सनस्क्रीन में आप देख सकते हो कितना ज्यादा ऑयल आ गया है चारों तरफ. तो ये सनस्क्रीन भी हमारे इस टेस्ट में पूरी तरह से फेल होती है. अब लास्ट सनस्क्रीन जो निकल के आई है वो है डॉट एन की सनस्क्रीन. इसमें भी थोड़ी बहुत एक लाइन दिख रही है चारों तरफ बट इतना ज्यादा ऑयल नहीं है, बट हम इसको एज एन थर्ड ऑप्शन रखेंगे. तो बेस्ट टू सनस्क्रीन जो निकल के आई है वो है फॉक्सटेल, मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन और थर्ड नंबर पे आप चूज कर सकते हो डॉट एन की, बट टॉप टू है फॉक्सटेल एंड मिनिमलिस्ट. सो गाइस सबसे अच्छी जो सनस्क्रीन निकल के आई है दो ऑयल ब्लॉटिंग पेपर को जो पास कर चुकी है वो है ये फॉक्सटेल की डेली ग्लो सनस्क्रीन और दूसरी है मिनिमलिस्ट की SPF 50 सनस्क्रीन. अब प्राइस की बात करें तो मिनिमलिस्ट की ये सनस्क्रीन आपको पड़ती है 379 रुपीज की, वही है फॉक्सटेल की सनस्क्रीन आपको पड़ती है 273 रुपीज की. तो ऑफकोर्स प्राइस के हिसाब से फॉक्सटेल तो विनर है ही, बट क्योंकि ये दोनों विनर रही हैं तो हम इनकी रियलिटी भी टेस्ट करेंगे. तो मैं अपने ना हाफ फेस पे मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन अप्लाई करूंगा और हाफ फेस पे फॉक्सटेल की, और उसके बाद मैं जाऊंगा सीधे धूप में 1-1.5 घंटे के लिए और वापस आकर के मैं अपने फेस को वाइप करूंगा और फिर बताऊंगा कि कौन सी विनर है
और कौन सी लूजर है। तो मैं इसका ना जनरस अमाउंट यहाँ पे अप्लाई करूंगा ताकि मेरी स्किन की प्रोटेक्शन भी हो, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट कर देगी। ओके, तो इसको लगाने के बाद मुझे थोड़ा बहुत तो व्हाइट कास्ट दिख रहा है मिनिमलिस की सनस्क्रीन से। आप देख सकते हो मैं कितनी देर से मसाज कर रहा हूँ, बट स्टिल ये मेरी स्किन पे पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं हो रही है और बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही है। अब फाइनली ये अब्जॉर्ब हो गई, बट मेरे फेस में ना हल्की सी एक शाइन आ गई है। आई एम नॉट श्योर ये किस वजह से आई है। आप चलो दूसरी तरफ लगाते हैं ये फॉक्सटेल की सनस्क्रीन। तो ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विडी लग रही है, जेल बेस लग रही है ये मुझे। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा लाइट है यार, मतलब कि मैंने जैसे इसको अपने फेस पे अप्लाई करा ये बहुत अच्छे से मेरी स्किन पे अब्जॉर्ब होनी शुरू हो चुकी है। अब फटाफट से इसको मसाज करते हैं और देखते हैं कि कितनी देर में ये मेरी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है। एंड इसने मेरी स्किन को ना थोड़ा सा एक टोन लाइटर भी कर दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो अब मेरे फेस पे दोनों सनस्क्रीन्स मैंने अप्लाई कर ली हैं। लेफ्ट साइड पे मैंने अप्लाई करी है ये फॉक्सटेल की सनस्क्रीन और राइट साइड पे मैंने अप्लाई करी है मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन। अब इसको हम लेके चलते हैं धूप में और एक घंटे तक मैं रहूँगा और वापस आके हम इसको देखेंगे कि क्या सच में मेरी स्किन प्रोटेक्टेड रही है, फेस पे और भी ज़्यादा ऑयल बिल्डअप हुआ है या नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट एक घंटा हो चुका है एंड बाहर बहुत तेज धूप थी। आप देख सकते हो मेरे फेस पे काफ़ी ज़्यादा पसीना भी आ गया है और इस जगह पे ना जहाँ जहाँ पे मेरे पसीना आया वहाँ पे थोड़ा सा वाइटनेस निकली है, जो कि है मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन, क्योंकि इस साइड पे हमने मिनिमलिस्ट की सनस्क्रीन लगाई थी, बट फॉक्सटेल में ऐसा कुछ भी नहीं है एंड मेरी स्किन पे अभी भी एक बैरियर का काम कर रहा है। इनफैक्ट काफ़ी मुझे ठंडक भी लग रही है इस साइड पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्राइस के कंपैरिजन में और वाइट कास्ट के कंपैरिजन में किसी में भी आप देखोगे ना तो फॉक्सटेल विनर है, क्योंकि ये सस्ती भी है मिनिमलिस्ट से एंड स्किन पे काफ़ी सूदिंग भी लग रही है और अच्छे से अब्जॉर्ब भी हो गई थी। ऐसा लगता है कि यहाँ पे मिनिमलिस्ट लूज कर रही है एंड फॉक्सटेल की हमारी ये सनस्क्रीन विनर है सही मायनों में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये पेड प्रमोशन है, बट यस जो टेस्ट हमने किया है ना उसके अकॉर्डिंग तो ये यही है। आप चाहो तो जो भी सनस्क्रीन मैंने यहाँ पे दिखाई है ना वो अच्छी तो है ही अपने अकॉर्डिंग, बट आप समझ सकते हो कि समर्स में अगर आपने अप्लाई किया तो थोड़ा बहुत ऑयल आपके आ सकता है, क्योंकि ये ऑयल ब्लॉटिंग पेपर पे पूरी तरह से फेल हुई थी। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये चैलेंज अच्छा लगा, मैंने इस चैलेंज पे बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन।